हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूज़टेक कनाडा। मैं हूं नीरज। अभी की जो वीडियो है ये वर्ल्ड फेज यूट्यूब चैनल से है और इसका टाइटल है 10 कंट्रीज रिजेक्ट चाइनाज डिफेंस पैक्ट, ह्यूज विक्ट्री फॉर क्वाड इन साउथ पैसिफिक। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो देखेंगे साथ साथ अपने कमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेलकम यू ऑल टू प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना की इंडो पैसिफिक में एक बहुत ही बड़ी हार हुई है। इंटरेस्टिंगली इंडिया में हम इसको कवर कर नहीं रहे इतना, मगर ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में इसको एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है। 10 कंट्रीज ने चाइना के डिफेंस पैक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, 10 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज रिजेक्ट चाइनाज रीजनल सिक्योरिटी पैक्ट। चाइना ने 10 छोटे देशों को यह कहा कि हमारे साथ एक रीजनल सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लो, जिसके अंदर चाइना की मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। एक तरीके से आप कह सकते हैं चाइना की मिलिट्री का कवर मिल जाता है इन 10 कंट्रीज को, मगर इन 10 देशों ने चाइना का जो ये पैक्ट है ये साइन करने से मना कर दिया। और इसके पीछे बताया जा रहा है कि क्वाड कंट्रीज का बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रभाव था, और चाइना के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये इतना बड़ा फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर है कि अब चाइना के विदेश मंत्री अपने बाकी डिप्लोमेट्स को ये कह रहे हैं, डोंट बी टू एंग्शियस, अगर इन लोगों ने हमारा सिक्योरिटी पैक्ट साइन नहीं किया तब भी हम यहाँ पे एंगेजमेंट अपनी बढ़ाकर रखेंगे, चाइना विल कीप इट्स प्रेजेंस इन साउथ पैसिफिक। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि रिसेंटली हुआ क्या है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत का जो सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल है, भारत ड्रोन महोत्सव 2022, ये रिसेंटली किस शहर में हुआ था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, हैदराबाद, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या फिर पुणे। कॉमेंट्स। ओ यार, मैंने ये ड्रोन फेस्टिवल को एक्चुअली फॉलो किया लेकिन मुझे आंसर नहीं आता। ओ सॉरी अबाउट दैट, मैं एक्चुअली एम्बेरस फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको फॉलो किया था। चलिए आगे सुनते हैं। सेक्शन में सब लोग करो उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अब पहली बात तो आप यहाँ पर पूछोगे, मगर वो कौन से 10 देश है जिन्होंने चाइना का सिक्योरिटी पैक्ट रिजेक्ट कर दिया? तो देखो, ये जो 10 देश है आपको मिलेंगे साउथ पैसिफिक में। ये जो टर्मिनोलॉजी है, ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी, ये आज के समय बहुत यूज की जा रही है, और साउथ पैसिफिक है कहाँ पर ना? यहाँ पे आप देख पाओगे ये वर्ल्ड मैप है, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, और यहाँ पे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा जो राइट साइड है, यहाँ पर आप कह सकते हैं ईस्टर्न साइड जो ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे आपको मिलेगा साउथ पैसिफिक। ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं साउथ पैसिफिक, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है ये हो गया पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन का साउथ, साउथ पैसिफिक। और साउथ पैसिफिक में बहुत छोटे छोटे यहाँ पे आपको देश मिलेंगे। दूर से देखोगे लगेगा कि यहाँ पानी सही है, मगर आप थोड़ा जूम इन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे देश मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल समोआ है यहाँ पर, उसके अलावा नाउरू है, मार्शल आइलैंड्स हैं, तोंगा है, ये सारे जो छोटे देश हैं। चाइना की इन कंट्रीज़ पर नज़र थी कि इन कंट्रीज़ को चाइना लुभा सकता है। चाइना बेसिकली क्या करेगा, इन कंट्रीज़ को ये कहेगा आपके लिए मल्टी बिलियन डॉलर पैकेजेस, कोविड में कंप्लीट हेल्प, आपको फ्री वैक्सीन मिलेगी, चाइना की जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं आपके देश में प्रोजेक्ट्स बनाएगी, मगर इस सब के बदले में आपको सिर्फ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन करना है, जिसके अंडर क्या होगा कि चाइना आपके यहाँ जो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स है ये संभालेगा, आपकी पुलिस को ट्रेनिंग चाइना देगा। ये बहुत बड़ी बात है, देखो पुलिस फोर्स आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर इन कंट्रीज़ में चाइना कंट्रोल करता है, चाइना ट्रेंड है, कल को अगर मान लीजिए इन कंट्रीज़ में तख्तापलट करना हुआ, कोई नेता इनकी बात नहीं सुन रहा, तो रातों रात चाइना वहाँ पर कू भी करा सकता था। उसके अलावा वेरियस और तरीके से इन कंट्रीज़ में मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ाना, ये सब चाइना का ऑफर था, मगर ये सब जो साउथ पैसिफिक के छोटे छोटे देश हैं इन्होंने चाइना का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। ये देखकर दुनिया शॉक्ड है, क्योंकि एक बार को लग रहा था कि चाइना का जो ये सिक्योरिटी पैक्ट है ये सब देश साइन कर लेंगे, क्योंकि यूजुअली इससे पहले हमने देखा है कि कई कंट्रीज़ ने ऐसे पैक्ट साइन किए हैं। फॉर एग्जांपल सोलोमन आइलैंड्स, यहाँ पे आप देख पाओगे सोलोमन आइलैंड्स ने इस टाइप का पैक्ट चाइना के साथ साइन कर लिया है। उसके अलावा और भी कई देश है जो बिल्कुल क्विकली चाइना का जो कैश है, हार्ड कैश, इसको यूज़ करना चाहते हैं, ये काफ़ी बार इस टाइप के पैक्ट साइन कर लेते हैं, मगर बाकी के जो देश हैं यहाँ पर क्लियरली इनको यहाँ पर दिखा के सिर्फ चाइना ही नहीं है इस रीजन में, क्वाड भी अवेलेबल है। तो हम क्वाड से भी बात करेंगे, एंड वी विल गेट द बेस्ट डील फॉर आवरसेल्व्स, हम चाइना का सिक्योरिटी पैक्ट साइन नहीं करने वाले। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि क्वाड क्या हेल्प करेगा इन कंट्रीज की, तो रिसेंटली क्वाड कंट्रीज ने ये कहा है कि $50 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे इंडो पैसिफिक में क्वाड कंट्रीज द्वारा आने वाले 5 सालों में। तो ये जो पैसा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इन साउथ पैसिफिक कंट्रीज को उम्मीद है कि ये पैसा क्वाड की तरफ से भी आएगा, और क्वाड के पैसे में एडवांटेज ये है
कि ये पैसा वेस्टर्न कंट्री से भी आ रहा है, इंडिया से भी आ रहा है, जापान से आ रहा है, और ये सब देश कोई सिक्योरिटी पैक्ट हमसे साइन नहीं करवाएंगे, हमें क्वार कंट्रीज पर निर्भर होने की आवश्यकता है नहीं, तो इसलिए चाइना का जो ऑफर था इन 10 कंट्रीज को काफी खराब लगा। और चाइना भी समझ चुका है कि जो इनकी ये डील थी सिक्योरिटी पैक्ट वाली डील, ये आगे नहीं चलने वाली, और इसलिए चाइना ने ये जो पूरा प्लान था सिक्योरिटी पैक्ट का ये कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया के जो जर्नलिस्ट हैं खुशियाँ बना रहे हैं ट्विटर पे और जगह इस टाइप की ट्वीट्स करके कि चाइना शेल्स, चाइना ने अभी के लिए पूरा प्लान ही कैंसिल कर दिया है। द स्वीपिंग रीजनल पैक्ट इट वॉज ट्राइंग टू कन्विंस पैसिफिक आइलैंड्स टू साइन, चाइनाज एम्बेसडर टू फिजी सेज सम पैसिफिक नेशंस हैड स्पेसिफिक कंसर्न्स अबाउट द प्रपोजल एंड बीजिंग विल ट्राई टू बिल्ड कंसेंसस। और आप अगर पिछले एक डेढ़ साल में देखो तो चाइना को इंडो पैसिफिक में बहुत से झटके लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स में एक टाइम पर प्रो चाइना गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट हट चुकी है। नेपाल में आप अगर देखो, हालांकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, मगर नेपाल में भी एक टाइम पर प्रो चाइना गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट हट चुकी है। श्रीलंका में एक बार को प्रो चाइना गवर्नमेंट थी, मगर श्रीलंका के लोगों को भी अब ये बात समझ में आ चुकी है कि चाइना इज बैड फॉर देयर कंट्री, चाइना की वजह से ही श्रीलंका का बहुत बुरा हाल हुआ है। फिर अब जो साउथ पैसिफिक एरिया में झटका लगा है, इससे क्लियरली हम देख सकते हैं कि सडनली चाइना इंडो पैसिफिक में बैकफुट पे आ चुका है। चाइना का प्रभाव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना रैपिडली नहीं फैल पा रहा, और प्राइमरली जो ये साउथ पैसिफिक रीजन में चाइना का ये मेजर फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर हुआ है, इसकी वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि अब सडनली ऑस्ट्रेलिया जाग चुका है। मैं यहाँ पे आपको ये बोलूंगा, आप अगर सोच कर देखें, अगर शी जिनपिंग पावर में ना आते तो शायद क्वाड का रिवाइवल उस लेवल पे कभी भी ना होता जितना आज के समय हो चुका है। शी जिनपिंग की जो अग्रेसिव अप्रोच थी चाइना को लेकर, इन्होंने बहुत सी चीज़ें जो इकट्ठा करने की कोशिश करी है, इसकी वजह से कई कंट्रीज अब जरा एक्टिव हो चुके हैं। मैं नहीं मानता इंडिया आज के समय जो बॉर्डर पे कर रहा है ये सब करता अगर शी जिनपिंग पावर में ना होते। चाइना के अग्रेशन की वजह से इंडिया लिटरली जाग गया, हमने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रा बढ़िया कर लिया है, वेपन्स परचेज किए हैं, वी आर वेरी मच रेडी फॉर चाइना। चाइना ने बिना वजह अपना एक बहुत ही बड़ा एनिमी बना दिया इन द साउथ एशिया रीजन। फिर ऑस्ट्रेलिया को आप अगर देखो तो ऑस्ट्रेलिया बात कर रहा है कि चाइना से परमानेंटली निपटने के लिए ये लोग बनाएंगे मॉनरो डॉक्ट्रिन। मॉनरो डॉक्ट्रिन क्या है? देखो 1823 में यूएसए ने एक डॉक्ट्रिन बनाई थी मॉनरो डॉक्ट्रिन, जिसके अंडर यूएसए ने यह कहा कि जो भी छोटे देश हैं जो मोनार्की के साथ चलते हैं, जहां पे कोई छोटा राजा हो गया, कोई रॉयल फैमिली राज कर रही है, छोटे छोटे देश हैं, कोई किंगडम सा हो गया, ये सब देश यूएसए के स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को रिस्पेक्ट करेंगे, और यूएसए के अगेंस्ट कोई अगर सुपर पावर है तो उसके साथ ये लोग अलाइन नहीं होंगे। ये यूएस की डिमांड थी, और अगर कोई कंट्री इसके अगेंस्ट गया तो यूएस कोशिश करता था कि उस कंट्री को ये लोग हैवीली डैमेज करें। तो ये थी बहुत ही अग्रेसिव मॉनरो डॉक्ट्रिन। तो सेम डॉक्ट्रिन अब ऑस्ट्रेलिया सोच रहा है कि ये लोग अप्लाई करेंगे इन द इंडो पैसिफिक, कि कोई भी देश अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जाता है, चाइना का सपोर्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया विल ट्राई टू डैमेज दैट कंट्री। तो ये एक तरीके से वार्निंग है ऑस्ट्रेलिया की कि गो अगेंस्ट अस तो हम आपको हिट करेंगे। तो इवन दो चाइना आज के समय अपने जो डिप्लोमेट्स को ये कह रहा है कि डोंट बी टू एंग्शियस, मेरे हिसाब से चाइना के लिए एंग्शियस होने का टाइम आ चुका है। इन्होंने कई दाव चले, मेजॉरिटी जो चाइना के दाव हैं ये उल्टे पड़ गए हैं, और अब चाइना को वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाके सोचना होगा कि कहां पर ये लोग गलतियां कर रहे हैं, क्यों चाइना लगातार इंडो पैसिफिक में हारता जा रहा है डिप्लोमेटिकली। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वो कौन सा शहर है जिसने होस्ट किया है ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। और इस तरीके से ड्रोन शो हुआ जहां पर भारत की हिस्ट्री, हमारी हेरिटेज, इसको सेलिब्रेट किया गया। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो एसएससी और बैंक एग्जाम के कोर्सेज हैं अकेडमी के, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा एसएससी बैंक एग्जाम्स का। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक करिए बैंक एग्जाम पर, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अभी एक कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 12 महीने का कोर्स हो जाएगा 14 मंथ्स का। सिमिलरली जो 24 महीने का कोर्स है ये हो जाएगा 28 महीने का। याद रखिएगा प्राइसेस अप टू 20% बढ़ जाएंगे मई 31 की अंत में रात को 12 बजे। तो जब तक प्राइसेस कम है यू कैन बाय दीज कोर्सेज बाय यूजिंग द कोड PD10, क्योंकि जैसे ही आप कोड यूज करेंगे द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि चाइना ने जो अपना
इकोनॉमिक पावर को यूज़ करके पुश किया कि हम आपको मिलिट्री सिक्योरिटी देंगे 10 कंट्रीज़ को साउथ एशिया में, उन्होंने ये पैक्ट रिजेक्ट कर दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड कंट्रीज़ के लिए भी, क्योंकि अगर चाइना का ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता तो उन कंट्रीज़ की जो मिलिट्री एलीट और पॉलिटिकल एलीट है उसकी एक्सेस मिल जाती डायरेक्टली चाइना को। जैसा इन्होंने बताया कि पुलिस को भी ट्रेनिंग करनी है तो सिविल सोसाइटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और आपको पता ही है चाइना में कैसे फायरवॉल और बाकी सब चीज़ों से जो सिविल सोसाइटी को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो अगर ऐसा ही सिस्टम वो प्रोपेगेट करने में सक्सेसफुल हो जाते इस पैक्ट के थ्रू 10 कंट्रीज़ में, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इन सब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। क्योंकि ऊपर से तो इंडिया को बुली किया ही जा रहा है, और नीचे आप ऑस्ट्रेलिया का भी देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चाइना का बहुत ज़्यादा पंगा चल रहा है अभी। और ट्रेड डेफिसिट की वजह से ऑस्ट्रेलिया भी बहुत परेशान है, क्योंकि वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं मेनली डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स या कोल हो गया या और मिनरल्स वगैरह हो गए, उनको डायरेक्ट एक्सेस चाइनीज़ मार्केट की नहीं है। और वो वहाँ से जो है ट्रेड इम्बेलेंस हो रहा है, क्योंकि चाइना के बहुत से प्रोडक्ट्स की एक्सेस डायरेक्टली ऑस्ट्रेलियन मार्केट में है, बट अदर वे अराउंड ये पॉसिबल नहीं हुआ अभी तक। तो ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया चाइना के साथ, लेकिन फिर वो बात आगे जो है वो एस्केलेशन तक बढ़ गई। चाइना जो है वो किसी भी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ कोऑपरेट नहीं किया। तो ऑस्ट्रेलिया को भी अपने जो है वो सॉल्यूशंस ढूंढने थे इस मामले में। और इस जो 10 कंट्रीज़ का पैक्ट है, इससे मुझे लगता है इंडिया को थोड़ा इफेक्ट तो होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना था, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो और भी पास में है और ऑस्ट्रेलिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं वो कंट्रीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी, और अदरवाइज भी जो बिजनेस सिक्योरिटी है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज़ की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ऐसा पैक्ट ना साइन होता, और वही हुआ है। और बाकी जो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिला कि जो क्वाड कंट्रीज़ हैं और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मिलकर जो $15 बिलियन का पैक्ट जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए रखा है, उसमें कितना कॉन्ट्रास्ट है जो चाइनीज़ पैक्ट है। क्योंकि चाइनीज़ जो है वो मिलिट्री फोकस सोल्यूशन देना चाहते थे उन कंट्रीज़ को, लेकिन जो क्वाड कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया कि हम आपको $50 बिलियन देंगे फॉर डेवलपमेंट फंड्स और बाकी सब चीज़ों के लिए, लेकिन आपकी जो कोई भी है बाइंडिंग नहीं होगी, आपको हमें जो है वो मिलिट्री एक्सेस नहीं देनी अपने कंट्री में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्टिंक्शन है जो कि क्वाड कंट्रीज़ ने की। और इन सब में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मिलकर इसका फैसला लिया होगा। न्यूजीलैंड भी ऑब्वियसली उसमें कुछ स्टेक न्यूजीलैंड का भी होगा फॉर श्योर, क्योंकि यही कंट्रीज़ हैं जो मेजरली अफेक्ट होंगे चाइना के एग्रेशन के कारण, जो साउथ एशिया में भी हमें दिख रहा है, नॉर्थ में भी दिख रहा है और बाकी सारे कंट्रीज़ में भी दिख रहा है। अब श्रीलंका की हालत आपको पता ही है कि वहाँ का पोर्ट भी जो है वो चाइना ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, और सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन्हीं पैक्ट्स की वजह से हो रही हैं, या तो मिलिट्री पैक्ट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैक्ट्स। तो इनके गाब में या इनकी जो कहते हैं चादर ओढ़ के, उसके अंदर जो है वो चाइना का मकसद कुछ और होता है। तो उसको, उस ऑब्जेक्टिव को बहुत बड़ा धक्का लगा है, और चाइना हैज़ टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा बनाने के लिए। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। आई होप कि इंडिया में, जैसा इन्होंने बताया कि इंडिया में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मीडिया जो है वो उसको अच्छे से दिखा रहा है, तो आई होप कि हम इंडियन लोग भी इसके बारे में अवेयर हों, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की पॉलिसी मेकिंग के लिए भी। क्योंकि इंडिया, जैसे इन्होंने बताया कि इंडिया तो बिल्कुल उन जो एग्रीमेंट्स चाइना के साथ पहले से हुए हैं वो उनके ऊपर चल रहा था, लेकिन जैसे ही गलवान में जो हमने देखा कि चाइना ने उन पैक्ट्स को ब्रेक किया और उन वर्ड्स की रिस्पेक्ट नहीं की, तो अब इंडिया को भी वो एग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़े अपनी प्रिपेयर्डनेस शो करने के लिए कि वी आर प्रिपेयर्ड। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई होप कि ये चीज़ें एस्केलेट ना हो, लेकिन इंडिया अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से आगे जो है कंटिन्यू करता रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे विचार अच्छे लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कीजिए। आपकी कोई भी फरमाइश है, कोई भी वीडियो आप हमारे साथ बैठ के देखना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप अपनी फरमाइश जो है वो दे सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।